देखो आज हम लोग सीखने वाले हैं फेजर डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे बनाई जाती है, होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सब कुछ देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जब एक रेजिस्टर में से पास करती है तो ई और आई का कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है, करंट और ईएमएफ का कैसा ग्राफ बनता है, क्या उसमें कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, वो चीज़ देखेंगे। यही अल्टरनेटिंग करंट जब प्योर इंडक्टर में से पास करती है, मगर सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, तब उस समय क्या हो रहा है, जो हमारे पास ईएमएफ है, ई है या वोल्टेज है, और जो करंट है, क्या वो एक साथ चल रही हैं कि उनमें कोई फेज लैग है, कोई या ईएमएफ कहीं लैग बिहाइंड हो रही है या करंट लीड कर रही है, कौन इसमें से लीड कर रहा है, इकट्ठे क्यों नहीं चल पा रहे हैं, ये चीज़ देखेंगे। इवन के कैपेसिटर का केस भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एसी सर्किट हो और उससे एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हो तो हम लोग देखेंगे कि उस केस में करंट जो है ना वो लीड करती है, मतलब करंट आगे के चलती है, ईएमएफ पीछे पीछे होती है, ऐसा क्यों होता है, पूरा रीज़न देखेंगे। और फेजर डायग्राम इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने में कैसे आपकी हेल्प करती हैं, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि फेजर डायग्राम की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके बिना हमारा काम क्यों नहीं चल रहा था, और ये कैसे चीज़ों को आसान बना देती है, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मान लो कि आपके पास इस तरह से एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट किया है एक ईएमएफ सोर्स से, ठीक है, और ये कैसी ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है, बैटरी नहीं लगाई है बल्कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ जो है या बोल सकते वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि तुमको पता है हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी रिलेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि आपको पता है कि वो कैसी है, वो इस तरह की है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लगातार चेंज होने वाली, अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलती रहती है, ये ईएमएफ, और इसके साथ जो डायरेक्ट करंट होगी वो भी बदलेगी, जाहिर सी बात है ना। इन केस ऑफ रजिस्टर सपोज करो आपके पास एक प्योर रजिस्टर है, आप लोगों ने इसको एक एसी सर्किट में यूज़ किया हुआ है, और इस तरह से उस एसी सर्किट में जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब हमें पता है ओम्स लॉ कहता है कि जो वी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, सही है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो तुम समझते ही हो, क्या मतलब होता है इसका भाइयों बहनों, जितना वी को बढ़ाएंगे उतना आई भी बढ़ेगा, मतलब उस प्रोपोर्शन में आई भी बढ़ेगा, मतलब वी बढ़ाया आई बढ़ गया, वी बढ़ाया आई बढ़ गया, वी कम किया आई कम हो गया, वी कम किया आई कम हो गया, कुछ इस तरह का होता है। इन केस ऑफ रजिस्टर जैसे ही तुम वी बढ़ाते हो इमीडिएट एक्शन होता है, आई भी बढ़ता है, वी बढ़ाया आई भी बढ़ा, वी कम हुआ आई भी कम हुआ, इमीडिएट, कोई फेज डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है। फेज ये होता है ना, इसको बोलते हैं फेज एंगल, फेज ये होता है फेज, ये जो एंगल होता है ना साइन के बाद जो एंगल है, साइन के बाद ये जो लिखा है ना इसने, साइन के बाद जो भी यहाँ पे एंगल दिया हो तो उसको फेज कहते हैं। फेज डिफरेंस होने का मतलब इसका एंगल अलग और आई, जैसे आई है यहाँ पे ना, ये ई है इसका, तो इसका आई क्या होगा, सपोज करो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी, यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा टी, यानी कि जो फेज हमारे पास ईएमएफ का है वही फेज में यहाँ पर हमारे पास करंट का भी है, कोई फेज में डिफरेंस दिख रहा है आपको, कोई फेज में डिफरेंस नहीं होता है। इन केस ऑफ रजिस्टर जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो ईएमएफ बढ़ाते हो करंट भी बढ़ती है, मतलब जिस समय आपकी वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जिस समय आपकी वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा है, ये नहीं कि करंट आगे आगे चलती है वोल्टेज पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। इवन कि अगर आप ग्राफिकली दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे मान लो ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास यहाँ पे करंट और वोल्टेज इकट्ठा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ है, ये मैं बोलो वोल्टेज बोलो एक ही बात आपको पता है, तो ये आ गया ई। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ रजिस्टर जैसे देखो कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
होता भी नहीं है, हम लोग पूरा इसको फाइंड भी करने वाले हैं, हम लोग मैथमेटिकली इसको ड्राइव करेंगे। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा मैथमेटिकली, इसको हमने ड्राइव भी करना है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, फेजर डायग्राम क्या होती है इसको समझने के बाद, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है इसको समझने के बाद, हम लोग ये आज ही इसको रिलेशन को ड्राइव भी करने वाले हैं और आप देखोगे कोई फेज डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला है। आई मेरी बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ रजिस्टर जब आपकी ईएमएफ जीरो थी तो आपके करंट भी जीरो थी। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, अगर ऐसे करके बताऊं तो मान लो ये करंट है, ठीक है, मतलब जब देखो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन देखो बाकी जब ईएमएफ की वैल्यू जीरो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ की मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, फिर ईएमएफ की वैल्यू जीरो आई तो करंट भी जीरो आई, ईएमएफ मैक्सिमम है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन तो करंट भी मैक्सिमम है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ईएमएफ जीरो करंट भी जीरो, सब कुछ मतलब बराबर बराबर चल रही है। इनकेस ऑफ रजिस्टर बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे कि वोल्टेज बढ़ाते हो ईएमएफ बढ़ाते हो इमीजिएटली विदाउट एनी डिले करंट भी बढ़ती है। ग्राफ बनाएंगे इस तरह से बन सकता है, ई और आई का इकट्ठा ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही, ठीक है, सही है। चलिए अब देखते हैं सेकंड, अगर मैं क्या करूंगा, एक एसी सर्किट लूंगा और पहले इंडक्टर कर लेते हैं, चलो एक एसी सर्किट लूंगा और मान लो मैंने एक इंडक्टर लगा लिया, इंडक्टर इस तरह का होता है पता है तुम लोगों को, है ना, मान लो इस तरह का मैंने एक इंडक्टर लगा लिया और इसको जोड़ दिया मैंने एक एसी सोर्स के साथ, ये जोड़ दिया मैंने एसी सोर्स, जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है ना, वोल्टेज जब यहां पर मैक्सिमम होती है उसी टाइम पे वोल्टेज तो मैक्सिमम हो जाती है लेकिन उसी समय इमीडिएटली करंट मैक्सिमम नहीं होती, उसी समय उसी टाइम करंट मैक्सिमम नहीं होती, उस समय करंट मैक्सिमम नहीं होती। इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, करंट जो है ना वो पीछे रहता है, लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे चेंज आना शुरू हो जाता है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है ना उस टाइम पे करंट मैक्सिमम नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, मैथमेटिकली पूरा ड्राइव करेंगे हम लोग, ऐसे मत सोचो कि भाई नहीं होती तो हमने मैथमेटिकली कहां दिखाया नहीं होती है, अभी थोड़ी देर के बाद हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे छोटी सी और आप देखोगे ई की वैल्यू कि जो आएगी ना ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं आएगा, यहां पे आएगा माइनस पाई बाय टू, मतलब जो हमारे पास करंट है वो पीछे रह गई, कुछ फेज डिफरेंस से पीछे रह गई और जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है वो आगे चली गई। मतलब अगर इसी चीज को मैंने ग्राफिकली भी बताना हो, अगर इसी चीज को जैसे वहां पे ग्राफ बनाया यहां वैसा ही ग्राफ मेरे को यहां बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं बताओ, कैसे बनाएंगे, मान लो ये आया, मान लो ये आपकी क्या है यहां पे, क्या करंट पीछे रह रही है ना आपकी, तो चलो मान लो ये आपकी करंट है, करंट पीछे रहती है इसके केस में, ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास ईएमएफ आएगी उसका ग्राफ पता कैसे बनेगा, देखते रहना अभी, उसका ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ऐसे करके बनेगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह का, इस तरह का। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये आपका ई आ गया है ना, ई आ गया, जब आपकी करंट मिनिमम है ई मैक्सिमम है, मतलब देखो वी मैक्स आई उस टाइम मैक्स नहीं है, आई मिनिमम हो चुका है, जब आपके पास ई क्या है मिनिमम है, ये ई है ना, ई जीरो मतलब मिनिमम है तो करंट उसमें उस टाइम मैक्सिमम है, मतलब आप देख क्या ये कह सकते हो कि करंट इसमें थोड़ी पीछे है, ईएमएफ पाई बाय टू 90 डिग्री से आगे की तरफ चल रही है। अब आप देख रहे हो इसको बनाने में भी तुम्हें थोड़ा सा परेशानी आ रही है, अब इसी परेशानी का हल फेजर डायग्राम है, कौन कहाँ पे कैसा है ये साम सोम हमसे अच्छे से नहीं बन रहे हैं, है ना, इसी को तो ख़त्म करने के लिए और इसी को इजीली बताने के लिए कैसे फेज में चेंज आ रही है और कैसे मैं इस फेज डिफरेंस को मैं बड़ा आसानी से बता सकता हूँ, उसी के लिए आएगी आपकी फेजर डायग्राम। एक और केस डिस्कस करते हैं, देखो मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को तुमने जोड़ा एक एसी सोर्स से, लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटर जब आपकी वोल्टेज या आप कह सकते करंट, जब आपकी करंट मैक्सिमम होगी उसी टाइम पे आपकी वोल्टेज मैक्सिमम नहीं होगी, इन केस ऑफ कैपेसिटर आपकी करंट जब मैक्सिमम होगी ना वोल्टेज मैक्सिमम नहीं होगी, रीजन देखेंगे अभी, कंसेप्चुअली भी बताऊंगा रीजन और मैथमेटिकली तो तुम्हारा आएगा ही, बट लॉजिकल क्या है इसका, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यानी कि अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं
इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो जब करंट मैक्सिमम, यहां पे करंट आगे चल रही है, ठीक है ना, करंट आगे चल रही है, चलो यहां पे आ जाएगी मेरे पास करंट या मैक्सिमम, ऐसे करके बनाओ उसको, और यहां पे दूसरा ऐसे करके बना लो, है ना। देखो मान लो ये क्या तुम्हारा करंट, ये क्या यहां पे ई, है ना। जब आपकी ईएमएफ जीरो, करंट मैक्सिमम, मतलब अभी ईएमएफ जीरो ही है, करंट आगे चली हुई है, करंट आगे चल रही है, करंट क्या कर रही है यहां पे, करंट यहां पे लीड कर रही है, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट क्या कर रही है, करंट लीड कर रही है, इन केस ऑफ इंडक्टर क्या लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है, आगे की तरफ चल रही है, कैसे लीड कर रही है, किस फेज एंगल से लीड कर रही है, पाई बाय टू फेज एंगल से लीड कर रही है, समझो इस चीज को पहले, ठीक है। अब समझते हैं कि इसके केस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वोल्टेज लीड कर रही है, इसके केस में लॉजिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट लीड कर रही है। मैथमेटिकली तो हम ड्राइव करने वाले हैं, मैथमेटिकली तुम्हारे पास अभी आंसर आएगा थोड़ी देर में, और बड़ा इजीली है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा सा आंसर है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं कि अगर आप एक रेजिस्टर लगाओगे एक एसी सोर्स के साथ, तो तुम्हारे को वी और आई के बीच में तुम रिलेशन देखोगे और ग्राफ बनाओगे तो तुम देखोगे वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब वी बदलोगे तो आई भी बदलेगा, जब वी मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब वी मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ई और आई बिल्कुल सेम चल रहे हैं। लेकिन जब आप एक इंडक्टर लगाते हो तब आप देखते हो केस में जब वी मैक्स है ना, जब वी मैक्सिमम पहुंच गया तब करंट अभी मिनिमम में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज आगे की चल रही है और करंट बेचारी पीछे से उसके पीछे से दौड़ रही है, ठीक है, इसके केस में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जो आपको शायद बनाने में थोड़ा सा परेशानी लग रही होगी, है ना। इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में करंट आगे आगे चल रही होती है, वोल्टेज अभी पीछे पीछे, करंट मैक्सिमम पहुंच चुकी होती है, वोल्टेज भी जीरो ही है, जब करंट मिनिमम है वोल्टेज मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यहां पे भी कुछ गड़बड़ है, ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों यहां वोल्टेज लीड क्यों कर रही है, लॉजिक क्या है इसका, मैथमेटिकली देखेंगे और अभी भी देखेंगे कि फेजर डायग्राम अभी क्यों आएगी, क्या उसका काम है उसको देखेंगे। बट पहले ये समझ लो लॉजिकली कि क्यों यहां पे वोल्टेज लीड कर रही है, क्यों लीड कर रही है, क्या कारण है इसका लीड करने का। अश्विनी जी क्या कारण हो सकता है इसको लीड करने का, कोई प्रतिक्रिया नहीं है सर, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई मित्रों है, कोई मित्रों जानकारी। देखो यार इसके लिए खासकर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तुमने थोड़े दिन पहले समझा था क्या, सेल्फ इंडक्शन समझा था, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है ना। आप देख रहे हो कि जब यहाँ से करंट पास करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट भी बनेगी, और उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, वो तो अपोजिट होती है। इसका मतलब इन केस ऑफ इंडक्टर दोनों कट्ठे कट्ठे भाग रहे थे पहले, कौन, वोल्टेज और करंट, लेकिन जैसे इंडक्टर में से पास हुआ तो करंट को रोकने वाला बंदा तो आ गया, कौन, इंड्यूस करंट, आपको पता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसको रोकने वाला बंदा आ गया, कौन, इंड्यूस करंट, वोल्टेज को किसने रोका, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके क्रॉस, वो तो बराबर आगे की तरफ से निकल गया, लेकिन करंट यहां पे पीछे रह गई, किसकी वजह से, क्यों ऐसा हो रहा है, करंट क्यों लैग कर रही है यहां पे, करंट लैगिंग कर रही है, क्यों लैग कर रही है, लैग करना पीछे, लैग करना मतलब पीछे रहना, क्यों पीछे रह रही है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, क्योंकि यहां पे इंड्यूस करंट बन रही है, तुमको पता है, क्योंकि यहां पर जैसे ही करंट इस में से पास होने लगी तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो गया तो तुम्हें पता है इसमें एक सेल्फ इंडक्शन नाम का फेनोमेना टेक प्लेस कर गया, सेल्फ इंडक्शन होती है इसके अंदर, है ना, सिंगल कॉइल में पढ़ा था ना हम लोगों ने यार सेल्फ इंडक्शन, यहां पे उस सेल्फ इंडक्शन की वजह से करंट बन गई, वो जो करंट बनी उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट नहीं है, यहां जाती हुई करंट को वो अपोज नहीं कर रही, यहां जाती हुई करंट को वो अपोज नहीं कर रही, भाई कर रही है, उसके पीछे वजह से क्या हुआ, करंट वोल्टेज तो चली गई लेकिन करंट बेचारी पीछे रह गई, यही कारण है, लॉजिकली यही कारण है कि क्यों करंट यहां पे लैग करती है, क्यों करंट यहां पे पीछे रह जाती है इसके केस में। समझ आई बात, रीजन पता चला क्यों करंट लैग कर रही है, क्योंकि इंडक्टर के केस में सेल्फ इंडक्शन वाला फेनोमेना टेक प्लेस हो जाता है, इसके केस में क्योंकि यहां पे फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदलने की वजह से सेल्फ इंडक्शन आ गई, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट बन गई, उसी इंड्यूस करंट की वजह से करंट पीछे रह गई बट वोल्टेज ठीक निकल गई आगे, ठीक है, ये समझ आ गया, यहां पे करंट लैग कर रही है बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां पे समझते हैं कि यहां पे करंट लीड क्यों कर रही है। देखो यहां पे क्या है, मान लो अब आपको पता है यार एसी करंट है, आपको पता है एसी का तो मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन दिखा नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, दोनों साइड चलते, चलो मान लेते हैं पहला फेज था
दो दो फेज है ना इसके, एक बार इधर एक बार इधर। चलो पहला फेज है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिखा सकते हैं अगर पहला फेज की बात कर रहा हूँ। तो पहला फेज है मान लो यहाँ से, अच्छा वोल्टेज में तुम्हें पता है याद है जब मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल करवाए थे शायद रेजिस्टर के कैपेसिटर के, तो मैं कहा था ना यहाँ से यहाँ तक जब तक LCR में से कुछ आ नहीं जाता तब तक उतनी वोल्टेज होती है। मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 एक्सपोज कर लेते हैं, चलो 10 0 मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 10, यहाँ से यहाँ कितना आएगा 0। अब कैपेसिटर आ गया, अब सेम नहीं होगी है ना, रुक गया यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 0 पहुँच गया, ठीक है। अब ये पोटेंशियल इसके सामने रिप्रेजेंट हो जाता है, लेकिन अब यहाँ से जब आप एक करंट फ्लो करवा रहे हो, चार्ज चल रहे ना यहाँ पे, अब इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए पहले तो ठीक था जब कुछ नहीं यहाँ पे सेम आ गया, अब थोड़ी देर बाद जब करंट चलना शुरू हुई अब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब यहाँ से यहाँ चार्ज इकट्ठा, कैपेसिटर काम ही क्या है, चार्ज को इकट्ठा करना, स्टोर करना। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, आएगा ना, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। लेकिन ये पोटेंशियल बाद में बढ़ेगा, पहले कौन आएगा? पहले तो चार्ज आएगा, चल के चार्ज पहुंचेगा यहां तक, चल के यहां से चार्ज यहां तक पहुंचेगा, यहां से भी चार्ज चल के यहां तक पहुंचेगा है ना, तब ही जाके पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब पहले कौन है फिर, वोल्टेज या करंट? पहले चार्ज चलकर यहां तक पहुंच रहा है तो क्या चल रही है पहले? करंट। यहां से चार्ज चलकर मूव करके यहां तक पहुंचेगा, प्लेट पे स्टोर होगा, उसके बाद वोल्टेज आने वाली है। तो इसका मतलब किसने लीड करना है, इन केस ऑफ कैपेसिटर किसने लीड करना है? करंट ने लीड करना है। दिस इज अ लॉजिक, ये इसका लॉजिक है। मैथमेटिकली देखोगे तुम लोग, मैथमेटिकली आएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आई की वैल्यू, आई का जो फेज डिफरेंस होगा पाई बाय टू आएगा और ऐड होगा ई के, ई से आगे आएगा वो। बट लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है कि जब इनके सब कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जब चार्ज स्टोर होगा तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन चार्ज स्टोर करने के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे पहुँचाना तो है ना, पहले चार्ज पहुँच रहा है मतलब पहले कौन जा रहा है? चार्ज जा रहा है, तो चार्ज चलने को, चार्ज के मूव करने को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसका मतलब पहले कौन आया? करंट। उसके बाद कौन आया? पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे करंट लीड करती है। क्या लीड करती है? करंट लीड करती है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया, क्लियर है? यहाँ पे सब कुछ सही था, यहाँ पे क्यों चेंज आया, क्यों करंट पीछे रह गई, यहाँ पे क्यों करंट आगे निकल गई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सही है। अब आती है बात फेजर डायग्राम की। सर अभी तक बात ही नहीं की, टॉपिक लिखा फेजर डायग्राम, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, अब करते हैं उसकी बात। आप देख रहे हो यार ये चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है यार क्या सर क्या बनाया ये है ना, ये देखो इकट्ठे बनाने हो तो कितना मुश्किल सा लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे इधर से समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है सर पाई बाय टू ये जीरो, फिर तुम्हें सोचना पड़ रहा है यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन आगे है, यहाँ पे कौन पीछे, कौन आगे। इन डायग्रामों से ये बताना कि कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हम लोगों को। तो क्यों ना कुछ आसान सा बनाया जाए इन डायग्राम्स को, ये जो डायग्राम है मैंने तीन बनाई ना यहाँ पे, इन डायग्राम्स को, इन ग्राफ को किसी और तरीके से इजीली समझने की कोई आपके पास है कोई टेक्निक? है हमारे पास टेक्निक, क्योंकि तुम लोग क्लास 11th में पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे तुम लोगों ने सीखा था कि साइनोसोडियल वेव को कैसे हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना, रोटेटिंग वैक्टर से कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीखा था नहीं? सीखा था, देखो वो नाम तो पढ़ा लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना काम है उसका, तो थोड़ा सा इसका मतलब मुझे वो बताना पड़ेगा तुमको है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, सुनो श्रोम जी देख लेते हैं फिर उसके बाद मारेंगे गप है ना। ये आ गया आपका साइनसोइडल वेव, मान लो ई का बना रहे, चलो किसी का बना लो, चलो ई है ना, किसी टाइम ई मैक्सिमम भी है, इसको ई नॉट बोल लो है ना। अब वही है ना, हम चाहते हैं ये सांप ऐसा नहीं बनाना है हमने, हमें कुछ ऐसा आसान सा दिखे तो हमारा काम इजी हो जाए। अब इसी साइनोसोडियल वेव को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए, इजी इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर का सहारा लेते हैं, रोटेटिंग वेक्टर। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ना, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, ये जो हम यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, एक साइनोसोडियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, साइनोसोडियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस रोटेटिंग वेक्टर को, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है जो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, साइनोसोइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसी को बोला जाता है फेजर। क्या बोला जाता है? फेजर। इसी रोटेटिंग वेक्टर को बोलते हैं फेजर। ये जो रोटेटिंग वेक्टर बनाया ना मैंने, इसी रोटेटिंग वेक्टर का नाम है फेजर।
अब ये रोटेटिंग वेक्टर कहाँ से कैसे साइनसोइडल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात सुनो। देखो ये बनाया मैंने एक सर्कल, ठीक है, कैसे ये वो मोशन और ये मोशन एक ही ऐसा है, कैसा कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा यहाँ पे ना ये जो है ये ई नॉट, इस ई नॉट को लेते हैं, ठीक है, ई नॉट को ले लो कहीं, ले लो चलो यहाँ ले लो ई नॉट को, ये ई नॉट है, ठीक है। अब देखना आपको क्या करना है यार, आपको तो एक्चुअली में इसने इस ई को देखना है वेरी करके किस एंगल पे ई कितना है। अब चाहे वो ऐसे ऐसे करके देखो चाहे ऐसे ऐसे करके देखो, दोनों चीज़ें सेम आनी है, कैसे आनी देख रहना। यहाँ पे एंगल कितना 0 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल कितना पाई बाय 2, फिर यहाँ पे कितना आया पाई, फिर यहाँ पे कितना आया 3 पाई बाय 2, यहाँ पे कितना आया 2 पाई, है ना, यही है ना। अब देखना यहाँ पे भी, यहाँ पे और ये दोनों चीज़ें कैसे एक जैसी हैं। देखो एंगल 0 डिग्री, ये ई यहाँ पर 0, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड इसका, ये यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई का मैग्नीट्यूड यहाँ से रिप्रेजेंट होगा, ये देखो ई का मैग्नीट्यूड इसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। जब ई यहाँ पे है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, जब ई यहाँ पर है तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ई 0 डिग्री पर 0 ही है, ठीक है, इसका मतलब सही चल रहा है। अच्छा ई जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, एंगल कितना कवर कर लिया इसने 90 डिग्री, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से चल के यहाँ पूरा ही आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं आ जाएगा यहाँ तक ही, तो देखो 90 डिग्री पे ई मैक्सिमम नहीं है। अच्छा फिर ढूंढो उसको, अब ई पाई पे यानी कि 180 डिग्री पे, ये ढूंढ घुमाया 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री पहुँच गया, यहाँ पे अब बताओ कितना मैग्नीट्यूड है ई का, फिर से 0 नहीं आ गया, ये देखो फिर से 0 नहीं आ गया। अब घुमाओ उसको 270 डिग्री पे, ये घुमाया 270 डिग्री पे, क्या आया, फिर से मैक्सिमम नहीं आएगा, लेकिन कैसे अपोजिट नहीं आया, पहले इधर था तो अब नीचे, यही बात है, पहले इधर था तो अब नीचे, फिर नहीं आया नेगेटिव मैक्सिमम। अब घुमाओ उसको वापस 2π पे 360 डिग्री, तो तुमने 2π पे घुमाया फिर से 0 नहीं आ गया, तो आ गया ना 0। यानी कि एक साइनोसोडियल वेव को हम लोग एक रोटेटिंग वैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक साइनोसोडियल वेव को हम लोग क्या कर सकते हैं भाइयों बहनों, रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी रोटेटिंग वेक्टर का नाम है फेजर, और इस फेजर से तुमने बनाई डायग्राम, तो क्या बनी ये फेजर डायग्राम, समझ आया। इस साइनोसोडियल वेव को हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और बना सकते हैं, इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग बोलते हैं फेजर। तो ये जो डायग्राम बनती है इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम, क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसमें ये जो ये ना ये जो एंगल बन रहा है ये इसको बोलते हैं ओमेगा टी, ये वही एंगल है जैसे करके नहीं लिखते थे हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ये जो ओमेगा टी है ना ये वो एंगल है, ये फेज है, इसको बोलते हैं फेज, क्या बोलते हैं फेज, और यहाँ पे यही वो फेज है ओमेगा टी। इसको बदलो, इस ओमेगा टी को यहाँ रखो तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बनी 90 डिग्री बन गई, डालो यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू, क्या आंसर आता है ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इसी की वैल्यू जब यहाँ पहुँचा दिया, अब ओमेगा टी कितना हो गया ढूंढो, ओमेगा टी यहाँ से यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, देखो ई नॉट की वैल्यू क्या आती है अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 आती है, आ रही है ना, ऐसे घुमा लो इसको। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय क्यों ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, वैसे रिप्रेजेंट करने के बजाय साइनोसोइडल वेव की जैसे रिप्रेजेंट करने के बजाय ऐसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेटर नहीं है, है ना, सामने दिखता है एंगल कितना है, सब कुछ दिखना है, सब कुछ दिख रहा है एंगल वैंगल, वहाँ पे नहीं ना दिखता आराम से, है ना। एक चीज़ और ये और आसान हमें तब लगने लगता है, देखो ये और आसान हमें तब लगने लगता है जब हमें ऐसे करके रिप्रेजेंट करने लगती है पढ़नी लगती है चीज़ें, क्या हो गया ये और आसान तब हमें लगेगा जब हम इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ये देखना ये मैक्सिमम, अब ये पहुंच गया मिनिमम, तो जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ऐसे करके। अब देखो मान लो ये ई है ये आई है, दोनों ग्राफ मैंने इकट्ठे ड्रा कर लिए, अब यहाँ पे देखो चीज़ें समझना थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा ना, कौन आगे कौन पीछे कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर इसी चीज़ को ना इसी को अगर मैं फेजर डायग्राम से दिखाऊंगा तो तुम देखना कितना ईजी लगेगा तुम लोगों को, ऐसे करके इतना अच्छा नहीं लग रहा ना, अब देखो तुम्हें अच्छा लगाएंगे हम, ये देखो अब देखो जब देखो सुनो ई मिनिमम है कब 0 डिग्री पे, तो रखो ई को ये, इसका मतलब ई मिनिमम है, ये है ई आपका 0 डिग्री पे, सही है। और आई तब क्या था, जब ई मिनिमम था तो आई क्या था मैक्सिमम था, तो रखो ये आई को यहाँ पे, ये आ गया आपका आई मैक्सिमम, कितना फेज एंगल बन रहा है, क्या कितना आगे है, वो सामने दिखता है पाई बाय 2 आगे चल रहा है, जब ई यहाँ पहुँच जाएगा तो आई यहाँ पहुँच जाएगा, जब ई यहाँ पहुँच जाएगा तो आई यहाँ पहुँच जाएगा, तो इससे आपको कितना ईजिली पता चल रहा है
है ना, कि ई और आई कैसे कैसे आई, ई से आगे है 90 डिग्री, है ना, ई यहाँ पे आई यहाँ पे, देखो ना यार, ई यहाँ पे आई यहाँ पे, जब आई यहाँ पे ई यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ पे, है ना, जब ये यहाँ पहुँचेगा यहाँ पहुँच जाएगा, तो जैसे ई आगे बढ़ेगा ये आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे बताने की बजाय क्या तुमको ये वाला मैथड ईजी नहीं लग रहा? लग रहा है ना, है ना, ये जो सांप जैसा बनाना है उसे 100 गुना बेहतर आप इसको ऐसे करके बताओ। इसे बोला जाता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के टाइम पे ई और आई सेम नहीं होंगे, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, उसकी वजह से हमको लगातार एक ही टाइम पे दोनों चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ने वाली है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलने की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर ऐसा करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। इस डायग्राम को बोला जाता है फेजर डायग्राम, समझ आया? कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में क्या होगा, ये वाली डायग्राम बनेगी, ई पीछे होगा आई आगे होगा। इंडक्टर के केस में क्या होगा, आई यहाँ होगा ई यहाँ होगा, आई पीछे ई आगे होगा, ये ना, ये इंडक्टर का केस हो जाएगा इंडक्टर। कैपेसिटर में क्या होगा, आई इधर ई इधर, है ना। ऐसे करने की बजाय ऐसा इजीली समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो ये होती है आपकी फेजर डायग्राम। क्या होती है ये? फेजर डायग्राम, करेक्ट है। मतलब आप चाहे ऐसे बताओ चीज़ों को, चाहे ऐसे बताओ, चाहे साइनसोइडल को ऐसे करके बताओ, चाहे आप उस रोटेटिंग वैक्टर से बताओ, ये रोटेटिंग वैक्टर है ये वाला, इसी रोटेटिंग वैक्टर का ही नाम फेजर है और इसकी डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं, है ना। यानी कि फेजर डायग्राम क्या होती है एक हिसाब से, फेजर डायग्राम एक हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं इस डायग्राम में, हम लोग सेम फ्रिक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को एक ही डायग्राम में अच्छे से बता पा रहे हैं, ई और आई को अच्छे से बता पा रहे हैं एक फेजर डायग्राम में, है ना। कितना फेज डिफरेंस है इजिली बता पा रहे हैं, फेज डिफरेंस समझ रहे हो ना, कितना एंगल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इजिली बता पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही है। ये होती है तुम्हारी फेजर डायग्राम, क्लियर है। अब समझते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं कि सिर्फ बड़ा इजी है, अब जो आगे वाला हमारे पास टॉपिक आने वाला है 5 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, हम देखेंगे कि सिर्फ रजिस्टर में से जब करंट पास करते हैं तो ई और आई की वैल्यू कैसे सेम रहती है, मतलब फेज एंगल, फेज डिफरेंस कैसे नहीं आएगा उसमें, दोनों का फेज सेम आएगा। इंडक्टर के टाइम पर क्या होगा, करंट पीछे हो जाएगी, इंडक्टर आगे जाएगा, तो कैसे आएगा वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। कल आना है आप लोगों ने, क्यों, कल दिवाली है तो क्या पढ़ना नहीं है कल, एंजॉय किसने? अच्छा चलो देखिए, एसी थ्रू 3 केस डिस्कस करेंगे छोटे छोटे, प्योर रजिस्टर, मतलब कि एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी में 3 केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। लिखो एडिंग एसी थ्रू रजिस्टर, ओनली रजिस्टर लिखो या प्योर रजिस्टर लिखो, मतलब एक सर्किट है उसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, नहीं लिखना प्योर लिखो भाई, ओनली लिखो, क्या यार तुम लोग भी, प्योर क्या था सर, इसमें इम्प्योर कौन सा होता है, ठीक है। लेटस कंसीडर देर इज एन एसी सर्किट, लिखो लेटस कंसीडर देर इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग लिखो, लेटस कंसीडर, धीरे धीरे बोलूँ, लिख ही लेता हूँ उसे, अच्छा है ना, लेटस कंसीडर देर इज अ एसी सर्किट कंटेनिंग, क्या है इसमें भाई साहब, ओनली रजिस्टर, कि हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, और इसमें ईएमएफ कितनी लगी हुई है, अब यहाँ पे तुमने इसको कनेक्ट किया हुआ है ना एक ईएमएफ सोर्स में से, तो सपोज करते हैं लेट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बी द ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, कितनी ईएमएफ लगाई मैंने, ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, क्लियर है। अब यार देखो बड़ा आसान है इसके केस में, हमें पता है यार जब ओम्स लॉ पढ़ा था ना, रजिस्टर लगाया था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो हमें पता है ई इजिकल टू वी इजिकल टू आई आर होता है, तो एज वी नो दैट, अब वी लिखो या ई लिखो, तो ऐसे लिखूँ मैं, ई इजिकल टू आई आर लिख दूँ,
हमने ई लेके चलना है और आई निकालना है यार। तो ई निकाला, ई इजिकल टू आई आर आ गया। तो आपको क्या कर फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, आई किसके बराबर आ गया, ई डिवाइड बाई आर। लिखते जाओ। तो आई किसके बराबर आ गया बताओ, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, है ना। ये ई नॉट बाई आर क्या होगा बताओ, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ही होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा फिर तो। आई इज इक्वल टू, इसको आई नॉट ले देता हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ चेंज आया फेज में, कोई चेंज आया इसको, ई के बाद आई निकालते टाइम क्या फेज में कोई चेंज आई, कोई चेंज नहीं आई। इधर भी ओमेगा टी था और साइन था, इधर भी ओमेगा टी है और साइन है, कोई फेज में चेंज नहीं आ रहा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इन केस ऑफ रजिस्टर ओनली, अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, फेजर डायग्राम में क्या होगा, जहां पे आपका ई है उसके ही साथ साथ क्या चल रहा होगा, आई भी चल रहा होगा। इधर ही ई है, इधर ही आई है, साथ साथ चल रहे हैं दोनों के दोनों वैक्टर, दोनों रोटेटिंग वैक्टर एक साथ चल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, है ना। क्लियर है, चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। एसी थ्रू इंडक्टर ओनली। करें, ये लिख लिया। चलिए इसमें क्या करेंगे, वही सपोज करो तुम्हारे पास एक इंडक्टर है, उसको तुमने क्या जोड़ा है, एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया हुआ है। लिखो जैसे मैंने लिखा वहां पे, लेट अस कंसीडर देयर इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। सपोज करो मेरे पास एक एसी सर्किट है जिसमें क्या है, एक इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर है ना, आपको पता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस आएगी, आपको पता है मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, पता है ना अश्विन जी, ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ईएमएफ का ई इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ डायरेक्शन की बात ना करें तो फिर एल डी आई बाई डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बार में ले रहा हूँ तो क्या आएगा, ई एल डी आई बाई डी टी इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। ये आता है कि नहीं आता है, आप क्या कर रहे हो, सपोज कर रहे हो कि आपका जो करंट ये चल रही है ना इसके अंदर कितनी चल रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो करंट को लेके चलते हैं और देखते हैं यार ईएमएफ कितनी आती है, है ना। मान लो इसके अंदर जो करंट चल रही है, लेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितनी करंट चल रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको क्या करना है, क्या निकालना है, ई निकालना है। कैसे निकालोगे, ऐसे करूँ इसको मैं, ई डी टी एल डी आई, है ना, ई डी टी एल डी आई, ठीक है, सही है, किसी को कोई परेशानी आता, कुछ नहीं किया यार। अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है ना, तो आप ऐसे रखेंगे इसको, डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी, ठीक। अभी तो कुछ भी नहीं किया, बस इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। ये तो है छोटी सी करंट है, बट आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है पूरी करंट निकालनी है। तो यहाँ पे ई नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आई रखो ना, आई नहीं ई, ये आ गया ये। सपोज करो ये जो आपने सर्किट लगाया है इसमें जो आप ईएमएफ लगा रहे हो कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। मान लो कि इस सर्किट में, जैसे यहाँ पे माना था ना हमने कि इस सर्किट में जो हमारे पास ईएमएफ है अक्रॉस द रजिस्टर कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल उसी तरह से ये जो मेरे पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, कितनी ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये मान ले तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा डी आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई एल, ठीक है। ये तो आगे छोटी सी करंट, आपको क्या निकालना है, पूरी करंट निकालते हैं जरा कितनी आती है, कैसे निकालेंगे पूरी करंट, इंटीग्रेशन करके, तो कर लो इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या है, इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी
डी टी सही है, कोई परेशानी, पक्की बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा बस आगे करंट, यहाँ पे E नॉट बाई एल क्या है कांस्टेंट, ये तो बाहर, किसकी इंटीग्रेशन होगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, तो यहाँ से लिख दूँ माइनस E नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी, और भी कुछ आएगा अपॉन में ओमेगा आएगा, तो यहाँ लिख दूँ ओमेगा, एक ही बात है, यहाँ लिख दे ओमेगा को, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा यार ये बताओ E नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी एक ही है ले रहे हैं, टू पाई न्यू आएगा ना ओमेगा की वैल्यू, तो न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल रहे हैं आप एसी करंट की, वो सेम रख रहे हैं। एल क्या है, एल तो होता ही कांस्टेंट, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है ना आपका। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, ये ओमेगा इन ट्वेल्व पता क्या चीज़ है, इस ओमेगा इन ट्वेल्व को बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, किसकी इम्पीडेंस बोलते हैं इंडक्टर की, इम्पीडेंस क्या होती है देखो, जैसे रजिस्टर की रजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है ना, रजिस्टर क्या करता है करंट को फ्लो करवाने में ऑब्स्ट्रक्शन करता है ना, उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसी तरह से ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर में से जो करंट पास कर रहे हो तो इसको भी ऑब्स्ट्रक्शन फील करो, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है, करंट को अपने से फ्लो नहीं करने दे रहा है, इसकी रेजिस्टेंस को, मतलब रेजिस्टेंस क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रेजिस्टेंस, ये जो इंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है ना करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, रजिस्टर इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसे बोल सकते हो, या इस इंडक्टर की जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ये जो है ना ये ओमेगा इन ट्वेल्व, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, किसकी ऑफ इंडक्टर, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर मतलब एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो मुझे बताओ खुद सोचो, ये रेजिस्टेंस है मतलब एक तरह की इम्पीडेंस, मतलब रेजिस्टेंस यार, मतलब किसकी लेकिन इंडक्टर की, अगर सिंपल वे में समझना हो, वट इज इम्पीडेंस, इट इज़ ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, वट इज इम्पीडेंस, इट इज़ ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, क्लियर। अब मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस, ये कौन है, EMF, EMF और R को तुम डिवाइड कर रहे हो, V और R को डिवाइड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा भाई, करंट ही मिलेगा, I मिलेगा, है ना। अब तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं ना, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, I इज इक्वल टू आई नॉट लिख दो फिर इसकी जगह पे, E नॉट डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पे, क्लियर है। E मतलब पोटेंशियल, ये क्या आएगा रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर, तो ये I आ गया, I नॉट, यहाँ पे क्या आया फिर कॉस आया, लेकिन नेगेटिव भी है ना, माइनस भी है साथ साथ में, माइनस भी है कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस भी है साथ साथ में, यहाँ पर माइनस भी है ना, सही है। अच्छा आपने शुरू किया था काम साइन ओमेगा टी से, आंसर आ रहा है कॉस ओमेगा टी में, क्यों ना यार इसको भी साइन में ही बदला जाए एक जैसी वेव रखने के लिए, तो कैसे बदलेंगे इसको मैथ वालों, क्या इसको मैं ऐसे लिखूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सही बात है ना, साइन पाई बाई टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखूंगा तो किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि इन केस ऑफ इंडक्टर करंट क्या है पाई बाई टू पीछे रह रही है, पाई बाई टू पीछे रह रही है, लैग कर रही है, पाई बाई टू पीछे रह रही है मतलब लैग कर रही है, ये पीछे रह रही है। मैं इसको फेजर डायग्राम से बताऊं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये देखो इसका क्या लिखा है, E इज इक्वल टू E नॉट ओमेगा टी लिखा है ना, तो मान लो ये आपका E है, ये आपका E है किसके बराबर, E नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है ये कौन है, ये वो ओमेगा टी है ना, ये क्या चीज़ है भाई फेज, यही मैंने कहा था ये फेज होता है। अब जो आई आया वो कितना आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना, तो आई कहाँ, कहीं यहाँ होगा, ये 90 डिग्री इधर, अलग पेन से दिखाते हैं इसको, पीछे चल रहा है ना ये करंट, यहाँ पे पीछे चल रही है, यहाँ पे आएगी करंट, ये कितना आया, आई इजिकल टू कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना, ये देखो ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई टू, तो इसका जो फेज आएगा वो किसके बराबर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना इसको, ओमेगा पाई बाई, ये देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस, एसी थ्रू कैपेसिटर, लिखो एसी थ्रू कैपेसिटर, Q
क्यू बाई सी, क्यू इज इक्वल टू ई सी, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू यहाँ डाली, ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये डाल दी तो फिर सीधा सीधा चल रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास आया इसको मैं ऐसे लिखूँ, इन केस ऑफ साइन वेव की फॉर्म में बनाना हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है ना, पिछले में नेगेटिव साइन था इसलिए मुझे माइनस आया था, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो क्या आया पॉजिटिव आ गया। बंद हो गई है, चल रही है ना ये, ठीक है। अब देखो आया कोई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आया, देखो आया यार, यहाँ पे क्या ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो मतलब करंट आगे चल रही है, चला देते हैं इसको, है ना। अगर मेरे पास ये ई है तो फिर, अगर मेरे पास ये ई है तो आई कहाँ पे होगा, आई यहाँ पर होगा, ये ओमेगा टी, ये आया आपका पाई बाई टू, है ना, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई कहाँ पे है, देखो यार आई कहाँ पे है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो फेज डिफरेंस ये है इसका, है ना। क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डन। तो यहां पर आप याद रखना, यहां पर हम एक कैपेसिटर लेके चल रहे हैं, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ लगी है कितनी मान ली हम लोगों ने, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता है वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है, ठीक है, इनके सब कैपेसिटर वी लिखो ई लिखो ई की बात है, ई इज इक्वल टू क्यू बाय सी आ गया, डी क्यू मत लिखना, ठीक है, फिर क्योंकि दो दो डी क्यू हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q किसके बराबर आ गया E इंटू सी, E की वैल्यू क्या आई E नॉट साइन ओमेगा टी, सी के साथ मल्टीप्लाई में, करंट किसके बराबर होती है डी क्यू बाई डी टी होती है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, E डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू डाल ली, सिंपल डिफ्रेंशिएट किया, आंसर ये आ गया, फाइनली हमारा भाई आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके तीन डेरिवेशन हमने एक साथ खत्म कर दी, क्या करना है कल, नहीं शाम को तो छुट्टी होनी है, तो चलो आज का लेक्चर इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय से, तब तक के लिए नमस्कार, अब बात करते हैं आपसे।